गाइस, मैंने और स्टॉक ने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत और पैसा इस डायमंड की कार को बनाने में लगा दिया है। क्या पैसा मेरा, मेहनत तेरी। हाँ मतलब वही ना। तो गाइस, ये बहुत ही प्यारी कार है, अब हम बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? अबे फ्रैंकलिन, ये क्या हो गया? हम तो बर्बाद हो गए। तूने तो कहा था ये कार डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। अबे सॉरी यार, मुझे नहीं पता था हमारी डायमंड की। एक मिनट, लेकिन ये है क्या स्टॉक, इतना बड़ा तारा? वो ठीक क्या हो रहा है? मैं बर्बाद हो गया। ये किसकी आवाज आ रही है इसके अंदर से? क्या पता, मुझे तो खुद डर लग रहा है भाई। गाइस पता नहीं ये इतना छोटा सा, अरे बाप रे, ये कौन है? मैं एक स्टार गॉड कहलाया जाता था। स्टार गॉड? व्हाट, स्टार गॉड इतना सा? अरे स्टार गॉड तो बहुत बड़ा हुआ करता था। बिल्कुल सही कहा, मुझे धोखा दे दिया मेरे दोस्तों ने और मुझे इतना सा कर दिया और मुझे धरती पे गिरा दिया छोटा सा तारा बनाकर। लेकिन ऐसा हुआ क्या भाई तेरे साथ? मैं तुम्हें रिकैप में लेके चलता हूं। अरे मुझे तो डर लग रहा है फ्रैंकलिन, मेरी बात सुनो। एक समय की बात है जब मैं दुनिया का सबसे ही ज्यादा बड़ा फाइव हेडेड स्टार गॉड हुआ करता था। फाइव हेडेड स्टार गॉड? ओह माय गॉड, गाइस देखिए इसको, ये कितना बिग है। मेरे हर एक हेड पे बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पावरफुल तारे हुआ करते थे। इस पूरी दुनिया तो क्या, पूरे ब्रह्मांड में मैं ही चमका करता था। ओह माय गॉड गाइस, लेकिन ये कौन है? ये है मेरा सोतेला भाई ब्लैक स्टार गॉड, जो कि दूसरे ब्रह्मांड से आया था। ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ? मैंने सोचा वो मुझसे दोस्ती बढ़ाने आया है। बहुत छोटा था लेकिन उसको जलन हो गई मेरे साइज को देखकर और उसने मुझ पर हमला करना स्टार्ट कर दिया। और जब उसके हमले मुझ पे काम नहीं किए तो उसने अपने जादू अंतर मंतर से कुछ तो करना स्टार्ट कर दिया। उससे क्या हुआ? लेकिन उसके जादू से कुछ ऐसा हुआ कि मेरा एक हेड का जो स्टार था वो गायब होना स्टार्ट हो गया और उसने उस सारे के सारे स्टार की पावर को खुद के अंदर ले लिया, जिस वजह से मेरा एक हेड गायब हो गया। ओह माय गॉड गाइस, यहां पर हमारा स्टार गॉड तो फोर हेडेड बचा है। इतना ही नहीं बच्चे फ्रैंकलिन, उसके बाद मेरा भाई ब्लैक स्टार गॉड पहले से बड़ा हो गया लेकिन उसको सबर नहीं आया, उसने मेरे एक और हेड को गायब कर दिया। ओह माय गॉड गाइस, यहां पे ब्लैक स्टार गॉड पहले से कितना बड़ा हो गया और यहां पर हमारा दुनिया का जो स्टार गॉड है, व्हाट, ये क्या हो रहा है तेरे साथ? भाई मेरे सारे के सारे हेड को उसने अपनी तरफ एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया और खुद बन गया टू हेडेड ब्लैक स्टार गॉड। ओह नो, अबे फ्रैंकलिन ये तो बहुत ही खतरनाक है, लेकिन तू इतना छोटा कैसे बना? बताता हूं। उसके बाद मैंने उस पर अटैक करने की कोशिश भी की लेकिन वो वहां से चला गया। लेकिन तू तो अभी भाई दो हेडेड रह गया स्टार गॉड और इतना बड़ा, इतना छोटा कैसे बना? उसके बाद यूनिवर्स गॉड का बेटा आया। यूनिवर्स गॉड का बेटा? लिटरली में? बिल्कुल सही कहा, यूनिवर्स गॉड को मैंने मारने की कोशिश की, मतलब उसके बेटे को, लेकिन वो भी बहुत पावरफुल था। उसने सोचा जब मेरा भाई मुझे धोखा दे सकता है तो वो भी दे देता है और उसने आके मुझ पर अटैक करने स्टार्ट कर दिए बैक टू बैक, और एक ही अटैक में वो बहुत बड़ा हो गया और मेरा एक और हेड खा गया। व्हाट? उसके बाद मेरा एक लास्ट स्टार बचा था, उसको भी उसने डिस्ट्रॉय कर दिया और मुझे छोटे से छोटा करता चला गया रे। और मैं इतना छोटा हो गया कि मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। उसके बाद मैं तारा बनकर तुम्हारी कार पे गिर गया, मुझे माफ कर दो बच्चों। कोई नहीं सर, हम आपकी प्रॉब्लम समझ सकते हैं। जल्दी से इस टास्क पेपर को पढ़ो, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा अमीर और इससे भी बेस्ट सूट दूंगा। ऐसा क्या? लेकिन इस पेपर में है क्या? स्टील स्टार गॉड साइज कंट्रोलिंग स्टार्स फ्रॉम ब्लैक स्टार गॉड। व्हाट? और दूसरा, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। गाइस प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, हमें स्टार गॉड की मदद करनी होगी और चैनल को सब्सक्राइब भी। और हाँ गाइस, कमेंट में जल्दी से एटी गेमर ओपी लिख दो, उससे हमें एक बाइक मिल जाएगी। बाइक तो मैंने तुमको दे दी। वाहूहू, हमें एक बाइक मिल चुकी है। गाइस वैसे तो हम गरीब हो गए, हमारी डायमंड की कार फट गई, लेकिन एक बार अगर हमने स्टार गॉड की मदद कर दी तो वो हमें इससे भी ज्यादा अमीर बना देगा और बढ़िया बढ़िया जॉइंट सूट भी देगा। व्हाट, टोनी स्टार्क देख, ब्लैक स्टार गॉड ने तो हमारी दुनिया पे कब्जा करने की सोच लिया है। बिल्कुल फ्रैंकलिन, ये तो मेरे स्टार्क मैंसन के पास है। हाँ भाई, और इसको देख तो सही, ये कितना विशाल है। अबे फ्रैंकलिन, मुझे तो इस बात का डर है कि पूरी दुनिया पे अंधेरा ना छा जाए। और भाई फ्रैंकलिन देख, ये रहा वो स्टार। हाँ गाइस, ये तो चमक रहा है, ये जरूर हमारे वाले स्टार गॉड का स्टार होगा। बिल्कुल, इन्हीं की वजह से इतना पावरफुल है। अगर किसी तरह से हम इनको चुरा लें तो यहाँ पर हमारा टास्क भी कंप्लीट हो सकता है, लेकिन तीन तारे होने चाहिए थे। ओ भाई फ्रैंकलिन, इसके राइट वाले मुंह के अंदर एक और तारा है। फिर तो मैं जल्दी जाता हूँ। गाइस उम्मीद करता हूँ ये ब्लैक स्टार गॉड पता ना कर ले कि मैं इसकी बॉडी पे चढ़ा हूँ। कौन है? ये क्या हुआ? अबे भागो यहाँ से। अबे फ्रैंकलिन भाग, उसको पता चल गया कौन था अभी जिसने मेरी नींद खराब की। अरे यार, मैं तो चींटी की तरह उसके लिए इसकी नींद भी खराब हो गई रे। Obviously guys, ये गॉड है, इसके senses बहुत खतरनाक होंगे। टोनी स्टार्क अब क्या करें, जल्दी बताएगा? मेरे हिसाब से तो हमें हमारे स्टार गॉड से मदद लेनी है। स्टार गॉड प्लीज हमारी मदद कर दे मेरे भाई। हाँ गाइस प्लीज जल्दी से हेल्प मी स्टार गॉड लिखिए ना। एक मिनट, हमें स्टार गॉड ने कुछ तो दिया है। गाइस आप ना जल्दी से हेल्प मी स्टार गॉड
पर लिख दिया करो, जब भी मैं या टोनी स्टार्क मुसीबत में हो उससे ना हमें मदद मिलेगी और हम यहाँ पर इस ब्लैक स्टार गॉड को हरा पाएंगे। लेकिन इसका करना क्या है? जल्दी से एक काम करो, मेरे भाई के ऊपर इसको रख दो। ओ ठीक है, मैंने रख दिया स्टार गॉड जी। व्हाट गाइस, स्टार गॉड की पावर्स की पावर देख रहे हो, मतलब स्ट्रेंथ देख रहे हो। यहाँ पर किस तरह से ब्लैक स्टार गॉड की बॉडी में आग लग रही है। ये क्या हो रहा है? अरे कौन है ये जो मुझे तबाह करना चाह रहा है? तुझे पता भी नहीं है मैं फ्रैंकलिन द जायंट हूँ। अबे तू तो छोटा सा है, मतलब फ्यूचर में तो बन जाऊंगा ना। ओके गाइस ऑलराइट, यहाँ पे ये वाला जो स्टार है मैं जल्दी से इसको यहाँ पे चुरा लेता हूँ। अरे ये क्या हुआ, फ्रैंकलिन उसका एक हेड गायब हो गया। ओ गाइस अभी समझा, देखा इसका हेड इसलिए गायब हो क्योंकि मैंने स्टार जो छीन लिया, मतलब दूसरा वाला जो स्टार हम छीनेंगे उससे इसका एक और हेड गायब होगा और ये बहुत छोटू सा बन जाएगा। नहीं तू मुझे क्यों बर्बाद करना चाह रहा इंसान, नहीं बर्बाद कर दिया रे। गाइस देखिए ब्लैक स्टार गॉड कितना छोटा रह गया। फ्रैंकलिन अब हमें जल्दी भागना चाहिए। अबे रुक जा, तू है कहां पर? एक मिनट, हम भाग नहीं सकते, हमें दो स्टार गॉड मिले, मतलब स्टार मिले, एक स्टार और चाहिए से। रुक जाओ, बर्बाद कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। हाँ ये क्या, मेरे पेट में दर्द हो गया रे। गाइस यहां पर ब्लैक स्टार गॉड के पेट में दर्द हो रहा है, यही सही मौका है फ्रैंकलिन, इन दोनों स्टार्स को छोड़। और मेरे पास एक आइडिया है, इन स्टार से हम अटैक करवा सकते हैं क्या? अरे हाँ, बताया तो था स्टार गॉड ने कि इनमें बहुत खतरनाक पावर है। गाइस स्टार गॉड के जो स्टार से वो अपने ब्लैक स्टार गॉड को कितनी बुरी तरह से पीट रहे हैं, मजा ही आ गया। अब ये काम करते हैं स्टार, जल्दी से जाते हैं और जाकर इसका लास्ट वाला स्टार इसके मुंह में से निकाल के लाते हैं। गाइस वो ऑलरेडी बहुत ही छोटा हो गया। अरे मार दिया, इतना बुरी तरह से रो रहा है फ्रैंकलिन, वो अच्छा हुआ धोखेबाजों के साथ यही होना चाहिए। चल अब जल्दी बैठते हैं बाइक पर और यहां से निकलते हैं, मैं तो एक्साइटेड गिफ्ट के लिए हूं, मुझे क्या मिलेगा। अरे भाई 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 आराम से आजा, जल्दी आजा टोनी स्टार्क, जल्दी आजा भाई, ये बहुत भारी है, मैं इनको उठा नहीं पा रहा हूं, तीन तीन स्टार है। गाइस लिटरली में पास से स्टार कितने चमकते हैं, मतलब दूर से भी चमकते हैं, पास से तो और भी औसम लग रहे हैं, मतलब ये अच्छी बात है, छोटे हैं वैसे बहुत बड़े बड़े होते हैं। अरे वाह दोस्तों तुम ले आए। बिल्कुल भाई, अगर तू मदद नहीं किया होता तो हम तो गए थे काम से। बिल्कुल सर, ये लो आपके खतरनाक तीन स्टार्स, अब देखो तुम लोग मैं यहाँ पर क्या करता हूँ। ऐसा क्या करेगा गाइस ये स्टार गॉड? ओह माय गॉड, इसने एक स्टार को एब्जॉर्ब किया और इसका साइज पहले से बड़ा हो गया। इतना ही नहीं, अभी मेरे को दूसरा वाला स्टार भी यहाँ पे एब्जॉर्ब करना है, उसके बाद मेरा साइज और बड़ा होता जाएगा। लुक एट हिम गाइस, यहाँ पर इसका साइज, एक मिनट अभी तो आधा रह गया, ये अभी ये लास्ट वाला है, इसको और खा जाऊंगा तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा स्टार गॉड बन जाऊंगा। अरे वाह दोस्तों, हमारा स्टार गॉड वापस से फुल फॉर्म में आ रहा है और ये कितना बड़ा जायंट बन गया है, मतलब फिलहाल इसके पास तीन स्टार आए हैं, अभी इसको दोस्तों दो स्टार और चाहिए, लेकिन उसके लिए प्लीज सर हमें हमारे गिफ्ट दे दो। ठीक है बच्चों ये लो तुम्हारे गिफ्ट। कहाँ है गिफ्ट? पीछे मुड़ के देखो पीछे। ओ माय गॉड, ये तो स्टार गॉड फ्रैंकलिन हल्क सूट है। बिल्कुल, इसमें फ्रैंकलिन के हल्क की पावर है, वो भी स्टार गॉड वाली। और ये क्या है सर? ये तो एक स्टार गॉड आयरन मैन का सूट है भाई, मजा आ गया सर, इसको पहन लो क्या? एक मिनट, ये कौन से टास्क दे दिए? स्टील स्टार गॉड स्ट्रेंथ कंट्रोलिंग स्टार्स फ्रॉम यूनिवर्स गॉड। लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट गाइस, प्लीज अब तो लाइक कर दो यार, और हां गाइस सब्सक्राइब भी चैनल को, साथ साथ में कमेंट में 80 गेमर ओपी लिख दो ना प्लीज, नहीं लिखा तो। बिल्कुल गाइस, अभी ना हम जा रहे हैं सीधा यूनिवर्स गॉड के बेटे के पास, मतलब वो लिटरली में अपने फादर जैसा ही पावरफुल हो गया क्योंकि उसने हमारे स्टार गॉड के दो स्टार जो चुराए। बिल्कुल टोनी स्टार्क, मैं भी तेरे पीछे आ रहा हूं। गाइस अब हम दूसरा टास्क कंप्लीट करेंगे और अपने स्टार गॉड को वापस से 5 हेडेड बनाएंगे। ऑलराइट दोस्तों, हम माउंट चिलियर्ड पे हैं, लेकिन क्यों आए टोनी स्टार्क हम? मैंने यहीं पे सिग्नल पाए थे इसलिए मैं इधर आया हूं। देख फ्रैंकलिन तुझे दिखाता हूं। ऑलराइट गाइस, आसमान में देखिए, लिटरली में ये दिखता भी नहीं है, वो तो टोनी स्टार्क के विजन की वजह से हमें पता चल पाया। देखिए यूनिवर्स गॉड का बेटा लिटरली में डिट्टो यूनिवर्स गॉड लग रहा है और इसके मुंह के अंदर एक स्टार हमें मिला है, लेकिन टोनी स्टार्क दूसरा स्टार कहां पर है वो मुझे देखना पड़ेगा मेरे ड्रोन से। स्टार एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके से हैवी को, अरे भाई फ्रैंकलिन देख दूसरा वाला स्टार इसके हेड पर है, लेकिन अब हम इस तक पहुंचेंगे कैसे? तो चिंता मत कर, मेरे पास उड़ने की पावर है। ओके गाइस, यहां पे टोनी स्टार्क तो पूरी तरह से उड़ के जा रहा है, अब देखना ये है क्या टोनी स्टार्क सच में स्टार लेकर आ पाएगा या नहीं। अरे बिल्कुल लेकर आऊंगा, एकदम चौड़ में जाऊंगा मैं। ऑलराइट गाइस, अब भी हम भी जाते हैं, ये मारा हमने सुपर जंप। फ्रैंकलिन अब हमें ज्यादा टाइम लगाना चाहिए, जल्दी जा। कौन है? मुझे कौन परेशान कर रहा है? अरे गाइस शायद मैंने गलती कर दी जंप मार कर। हां फ्रैंकलिन इतनी जोर से स्मैश नहीं मारना चाहिए था, उसको पता चल गया हम उसके ऊपर हैं। अब तो अरे बाप रे, निकल जाओ, मेरे ऊपर रहकर बातें करते हो, निकलो यहां से, तुम्हें पता नहीं मैं किसका बेटा हूं। समझ गए, तू यूनिवर्स गॉड का बेटा है। स्टार अब क्या करें हम भाई, ये बहुत ही पावरफुल है, लिटरली में ये ब्लैक स्टार गॉड से कम 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। प्लीज यार, अब तो हमारी स्टार गॉड ही मदद कर सकता है, कमेंट में जल्दी हेल्प मी स्टार गॉड लिखो गाइस। मैंने तुम्हारी बात सुन ली स्टार, अपने सूट का इस्तेमाल कर। सूट का इस्तेमाल करूं? बिल्कुल, तेरे पास बहुत खतरनाक पावर्स है। अरे
हुआ गाइस, मुझे तो पता ही नहीं था ये क्या हो रहा है मेरे साथ। वही हो रहा है जो होना चाहिए था। नहीं, अरे वाह गाइस, लिटरली में मैंने एक यूनिवर्स गॉड के बेटे को जो कि ऑलरेडी गॉड है उसको धरती पर धकेल मारा है एक ही ज्यादा पंच में। क्या बात है टोनी स्टार्क, तेरा सूट तो ऑसम है। काश गाइस मेरे पास भी ऐसी पावर हो। अरे हाँ, मेरे पास भी तो जरूर होंगी क्योंकि मैं भी तो एक जायंट बहुत ही खतरनाक स्टार गॉड हल्क हूं। गाइस चलो जल्दी चलते हैं और जाकर मुझे इसका स्टार चुराना है। ये क्या हो रहा है? अरे रुको, बताता हूं, मेरे मुंह से बाहर निकल इंसान। अब मैं इंसान नहीं रहा, अब मैं बहुत ही सुपर हल्क बन गया हूं। ऑलराइट गाइस, हमने स्टार गॉड का एक और स्टार चुरा लिया और यहां पर यूनिवर्स गॉड और छोटा होने वाला है। नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है? गाइस देखिए यहां पर, अरे वाह फ्रैंकलिन, तूने कर दिखाया, इसको छोटा कर दिया। लेकिन एक मिनट, अभी मेरे को इसका लास्ट वाला और तारा चाहिए। नहीं 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 नहीं, मैं छोटा हो जाऊंगा। ये ले तेरे, तो तू छोटा हो चुका है बेवकूफ। गाइस हमने यूनिवर्स गॉड के बेटे को उसका सबक सिखा डाला है। बिल्कुल सही कहा तूने टोनी स्टार्क, लेकिन अब हम क्या करें? मेरे हिसाब से तो भाई हमें जल्दी से यहां से अब निकलना चाहिए सीधा हमारे स्टार गॉड के पास। तो चलो दोस्तों पूरी स्पीड में स्टार गॉड के पास चलते हैं और देखते हैं इन वाले तारों से हमारा स्टार गॉड क्या करने वाला है। बिल्कुल गाइस मैं भी चलता हूं, मेरे पास भी एक स्टार है और टोनी स्टार्क के पास भी एक स्टार है। पूरी स्पीड में जाते हैं, अब तो मजा आने वाला है क्योंकि हमें मिलने वाला एक बहुत ही खतरनाक अनोखा सुपर गिफ्ट, वो भी स्टार गॉड की तरफ से। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूं और मुझे यहां पर हमारे स्टार गॉड की ट्रांसफॉर्मेशन को भी देखना है, बहुत ही कूल लगती है। अरे वाह बच्चों, तुम आ गए। अरे बिल्कुल सर हम आ गए। जल्दी से काम करो, दूर हट जाओ इस स्टार गए, मैं यहां पर इनको अब्सॉर्ब करने वाला हूं। अरे गाइस यहां पर हमारे जो स्टार गॉड है इन खतरनाक तारों को अब्सॉर्ब करने जा रहे हैं। देखिए दो दो तारे और इन्होंने अपने पास इनको बुला लिया है। ओके बच्चों, अब मैं इनको अब्सॉर्ब कर रहा हूं अपने पास। ऑलराइट गाइस, यहां पे जो तारे हैं ये, इनमें कुछ तो मैजिक सा चल रहा है जिससे कि इनको अब्सॉर्ब करके अपने फाइव हेड निकाल पाए। वेट अ सेकंड स्टार्क, अरे वाह फ्रैंकलिन भाई, ये तो बहुत ही खतरनाक है। लिटरली में क्या ही खतरनाक शो देखने मिल रहा है हमको। गाइस जल्दी से कमेंट में स्टार गॉड ओपी लिख दो इसी बात पे, हमारा स्टार गॉड ऑलमोस्ट फाइव हेडेड हो गया है। हां बच्चों, मैं दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल फाइव हेडेड स्टार गॉड हो गया हूं, वो भी तुम दोनों की वजह से। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सर अब हमारा गिफ्ट दे दीजिए। अरे हाँ गाइस, स्टार गॉड ने खुद तो बड़ा कर लिया अपने आप को, हमें तो गिफ्ट नहीं दिया। स्टार गॉड प्लीज हमारा गिफ्ट दीजिए, प्लीज स्टार गॉड गिव मी माय गिफ्ट। अरे हाँ स्टार गॉड प्लीज हमारा गिफ्ट दीजिए। अरे वाह गाइस, स्टार गॉड ने, हाँ दोस्तों हमें यहाँ पर खतरनाक नॉर्मल सूट तो हमारे पास पहले से ही थे जो कि छोटे छोटे थे, लेकिन जायंट थ्री हेडेड स्टार गॉड आयरन मैन एंड जायंट थ्री हेडेड स्टार गॉड हल्क के सूट भी दे दिए। और गाइस इतना ही नहीं, बहुत सारा सोना, बहुत सारी लैम्बोर्गिनीज, सोने के हेलीकॉप्टर्स और इतना प्यारा मेंशन, ये सब हमें स्टार गॉड ने दिया है। गाइस आज तो बहुत ही मजा आ गया। अगर आपको इस तरह की वीडियो और देखने तो प्लीज कमेंट में नेक्स्ट बार लिखिए। और हाँ, वहाँ की स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है वो भी देख लो, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच।